there is one more example of enolization. Look at this huge structure, the big structure. Here there is a possibility of tautomerization. Now you know this is carbonyl group, this is alpha carbon. There is a shifting of pi bond this side and hydrogen from here to here. So you get this enol form. In this keto form, this carbon is sp3 hybridized, so bond angle is 109.5, and here this carbon is sp2 hybridized, therefore the bond angle is 120 degrees. There are two bulkier groups, they are highly bulky groups attached to these two carbon atoms. So if it is at 120 degrees, they are far away from each other, at least compared to this they are away from each other, and there is less of repulsion. क्योंकि ये जो बल्कि ग्रुप्स हैं दोनों, ये थोड़े दूर हो जाएंगे यहाँ पे. इसके कंपैरिजन में यहाँ ये दो बल्कि ग्रुप्स पास हैं, यहाँ पे ये दो बल्कि ग्रुप्स दूर हैं, तो उनमें रिपल्शन कम होगा, इसलिए इसमें ऑलमोस्ट 100% इनोलिक फॉर्म होगा. क्योंकि यहाँ पे ये बल्कि ग्रुप्स आपस में स्टेरिक हिंड्रेंस देंगे एक दूसरे को, एक दूसरे से टकराएंगे, और यहाँ पे ये दूर होने के कारण उनमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा. इसलिए इस स्ट्रक्चर में आपको 100% इनोलिक फॉर्म मिलेगा. तो इस तरह ये सारे एग्जांपल्स देखने के बाद यदि अपन समराइज करते हैं, तो इनोलिक फॉर्म का ऑर्डर होगा, सबसे ज्यादा एरोमेटिक इनोलिक कंपाउंड्स होंगे, एरोमेटिक इनोलिक कंपाउंड्स होंगे, फिर डाइकीटोन कंपाउंड्स जो रहेंगे जिनके दो कार्बोनिल ग्रुप्स के बीच में CH2 होगा, उनमें इनोलाइजेशन होगा. और आपको कारण भी पता, उनमें इनोलाइजेशन क्यों होगा, क्योंकि इनोलाइजेशन होगा तो वहां पे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन आएगा, वहां पे कॉन्जुगेटेड सिस्टम बनेगा, वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, वहां पे चिलेशन होगा, इसलिए वो कंपाउंड में इनोलिक फॉर्म डोमिनेट करेगा. उसके बाद कीटो ईस्टर नेक्स्ट रहेगा. कीटो ईस्टर, कीटो ईस्टर में डिफरेंस ये रहेगा कि यहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा होगा, जिसके कारण इनोलाइजेशन थोड़ा सा कम फेवर होगा. उसके बाद मोनोकीटोन एंड उसके बाद एस्ट्रस. तो ये ऑर्डर अपने को फॉलो करना है जब कोई क्वेश्चन अपने को आता है कि इनोलाइजेशन का ऑर्डर बताइए. अब एक और फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा कि इनोलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, उसमें है सॉल्वेंट. देखो क्या होता है, ये जो कीटो फॉर्म है ना, कीटो फॉर्म में दोनों ऑक्सीजन के पास में डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, और दोनों नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं. जब वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और यदि आसपास कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, मान लो हमने उस कीटो कंपाउंड को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे वाटर, वाटर में हमने डिसॉल्व करके रखा है, तो ये नेगेटिव चार्जेस को वाटर मॉलिक्यूल स्टेबलाइज कर देंगे हाइड्रेशन के कारण. ये वाटर मॉलिक्यूल्स इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देंगे, और इसलिए अब ये स्टेबल हो जाएगा. अदरवाइज कीटो कंपाउंड जो है वो अनस्टेबल होगा ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन दीज नेगेटिव चार्जेस. ये जो नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो ना, डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्जेस हैं, ये डेल्टा नेगेटिव चार्जेस है, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं. तो इसलिए कीटोन जो, ये जो डाई कीटो कंपाउंड है, ये अनस्टेबल हो जाता है. पर यदि आसपास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो, फॉर एग्जाम्पल वाटर, तो वाटर क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, तो फिर कीटो फॉर्म स्टेबल हो जाएगा. कीटो फॉर्म इनॉल बनने के लिए नहीं जाएगा, कीटो फॉर्म का इनॉल फॉर्म में कन्वर्जन बहुत कम फेवरेबल हो जाएगा, बहुत ही कम अमाउंट में होगा, क्योंकि कीटो अब स्टेबल हो गया. मान लो मेरे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं है, और मैंने उस कीटो कंपाउंड को जस्ट लिक्विफाई कर दिया है, तो लिक्विफाई करने से हमें एक्सटर्नल सपोर्ट तो कोई मिल ही नहीं रहा, बाहर से कोई सॉल्वेंट है ही नहीं जो उसको हेल्प करेगा. तो क्या होगा, जो कीटो इनॉल में कन्वर्ट हो गया है, उसका इनॉल फॉर्म बचे हुए कीटो फॉर्म को स्टेबलाइज कर सकता है. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? मैं ये कह रही हूं कि मान लो कोई सॉल्वेंट है ही नहीं, हमने लिक्विड फॉर्म में ले लिया है डाइकीटो कंपाउंड को, तो ये डाइकीटो कंपाउंड अनस्टेबल है बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन. तो उस समय क्या होगा, जो कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका इनॉल फॉर्म बचे हुए कीटो फॉर्म को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, पर इनॉल फॉर्म वाटर या किसी और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के कंपैरिजन में काफी बड़ा होगा, तो वो इतने अच्छे से स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा. इसलिए क्या होगा, लिक्विड स्टेट में
इसके कंपैरिजन में ज्यादा इनोलाइजेशन होगा. यदि मैंने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया है तो जितना इनोलाइजेशन होगा उससे ज्यादा इनोलाइजेशन होगा यदि मैं लिक्विड स्टेट में उस कीटो कंपाउंड को ले लूं. क्यों? क्योंकि वो जो कीटो फॉर्म का इनॉल फॉर्म में कन्वर्जन होगा और वो जो बना हुआ इनॉल फॉर्म बचे हुए कीटो फॉर्म को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा तो वो इतने अच्छे से स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा जितना कि अच्छा वाटर कर पा रहा था. ओके, इसलिए उस केस में इनोलाइजेशन ज्यादा फेवर होगा. अब मान लो हम चलते गैशियस स्टेट में, तो गैशियस स्टेट में जब हम जाएंगे तब क्या होगा कि गैशियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स सारे एक दूसरे से बहुत दूर रहेंगे तो वहां पे कोई एक दूसरे का इफेक्ट नहीं कर पाएगा तो कीटो फॉर्म का इनोलाइजेशन ज्यादा होगा क्योंकि कीटो फॉर्म एज सच अनस्टेबल है. उसको यदि किसी ने स्टेबलाइज कर दिया तो वो उस फॉर्म में रहना चाहेगा, अदरवाइज उसको इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट रहना है. तो ये डाइकीटो कंपाउंड सबसे कम इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होगा जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, उसके बाद जब पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होगा, उसके बाद जब वो लिक्विड स्टेट में होगा और सबसे ज्यादा इनोलाइजेशन होगा जब वो गैसियस स्टेट में होगा. ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? क्यों? ओके, तो अब इसको मैं आपको बता देती हूँ, आपको लिखवा देती हूँ थोड़ा सा कि ये क्या फर्क पड़ता है यदि मैं सॉल्वेंट बदलती जाती हूँ तो हाउ मच ऑफ द कीटो कैन बी कन्वर्टेड इनटू इनॉल फॉर्म. दे बोथ आर इन इक्विलिब्रियम बट वेदर द इक्विलिब्रियम इज फेवर्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. इफ इट इज इन द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट देन इट्स मोर टूवर्ड्स कीटो साइड. And as we change from polar protic to polar aprotic, then to liquid state and then to gaseous state, the equilibrium shifts more and more towards the enol form. And the basic reason is because the diketo form is unstable due to the repulsion between these two negative charges. So, whatever factor stabilizes the keto form leads the equilibrium towards keto. And if the keto form is not stabilized, then the equilibrium is towards the enol form. तो अभी मैंने जैसे अभी आपको समझा रही थी वही अब आपको लिखना भी पड़ेगा अपनी नोटबुक में कि हमको सॉल्वेंट का इफेक्ट देखना है. यदि तो हम कैसे देखेंगे, जैसे अभी मैंने आपको समझाया कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो गया, जब पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट और कीटो डाइकीटो कंपाउंड के बीच में जो डायपोल डायपोल अट्रैक्शन होगा, क्योंकि दोनों पोलर हैं तो डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन होगा और ये जो इंटरैक्शन होगा डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वीकर है. और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे थी? जब हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया था, जैसे वाटर लिया था, वाटर में यदि मैंने डाइकीटो कंपाउंड को लिया तो उन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो स्ट्रॉन्गर है. किसके कंपेरिजन में? यदि मैंने डाइकीटो कंपाउंड को लिया है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में, इसलिए कीटो कंपाउंड जो है थोड़ा कम स्टेबल हो जाएगा तो इनोलाइजेशन अब पहले वाले केस से ज्यादा होगा. फिर मैंने नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लिया तो नॉन पोलर सॉल्वेंट और डाइकीटो कंपाउंड के बीच में रहेगा वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वो और कम है तो इनोलाइजेशन और ज्यादा हो जाएगा. फिर जब हम लिक्विड स्टेट में लेंगे तो सॉल्वेशन जो है बने हुए इनॉल फॉर्म ने कीटो फॉर्म को स्टेबलाइज करना है, जो कम अट्रैक्टिव रहेगा उनके बीच में अट्रैक्शन कम रहेगा, स्टेबलाइजेशन कम रहेगा तो इनोलाइजेशन और बढ़ जाएगा. और गैशियस स्टेट में तो स्टेबलाइज करने के लिए कुछ है ही नहीं, इससे वहां पे इनोलाइजेशन बहुत ज्यादा होगा. जैसे इस कंपाउंड में एसिटिल कीटोन, इस कंपाउंड में एसिटिल एसिटोन, इस कंपाउंड का नाम है एसिटिल एसिटोन. ये जो ग्रुप है ना, ये वाला CH3CO ग्रुप, ये एसिटिल है और ये जो पूरा कंपाउंड था ये एसिटोन था, इसलिए इस कंपाउंड का कॉमन नेम है एसिटिल एसिटोन. तो यदि मेरे पास एसिटिल एसिटोन है तो आप देखो वहां पे किस में कितना परसेंटेज हो रहा है. दिस कंपाउंड इज एसिटिल, ये एसिटिल एसिटोन है. तो एसिटिल एसिटोन में यदि मैंने सॉल्वेंट वाटर लिया है तो मेरे पास सिर्फ 16% इनॉल फॉर्म है. यदि हमने लिक्विड स्टेट में एसिटिल एसिटोन को लिया है तो 76% है और यदि हमने गैशियस स्टेट में लिया है तो 92% इनॉलिक फॉर्म हो जाता है. इज दैट क्लियर? और एग्जांपल है,
इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? इथाइल, ये पहले हमने नेम कर दिया इथाइल, फिर ये एसीटो और फिर ये है एस्टर. इथाइल एसीटो एसीटेट. इथाइल दिस इज एसीटो एंड दिस इज एसीटेट. इसमें यदि अपन ने वाटर में लिया, यदि वाटर में इस कंपाउंड को लिया तो इनोलिक फॉर्म इज ओनली 7%, और यही आपने लिक्विड स्टेट में ले लिया तो इनोलिक फॉर्म जो है वो है 75%. तो इन एग्जाम्पल से क्लियर हो जाता है कि सॉल्वेंट में कौन सा सॉल्वेंट लेंगे तो इनोलिक फॉर्म ज्यादा रहेगा, या फिर हम कौन से फिजिकल स्टेट में कंपाउंड को लेंगे तो इनोलिक फॉर्म ज्यादा रहेगा. ठीक है, अब हमारे पास जब ये सारे केसेस हो गए कि इनोलिक फॉर्म किस में ज्यादा रहेगा, तो अब आपके पास बिल्कुल क्लियर हो गया. अब हमने सारे टॉपिक्स इसके कवर कर लिए कि इनोलिक फॉर्म कब ज्यादा होता है, कौन किस चीज का परसेंटेज ज्यादा होता है, कौन से स्टेट में फिजिकल स्टेट में होगा या सॉल्वेंट होगा, या हमने कौन से फंक्शनल ग्रुप्स डाले हुए हैं, उसमें फंक्शनल ग्रुप को सराउंडिंग कौन से ग्रुप्स है, इन सारी चीजों से डिसाइड हो जाएगा कि इनोलिक कंटेंट किस में ज्यादा होगा. अब अपने पास जो नेक्स्ट चीज है वो अपन देख लेते हैं कि जब हमने टॉटोमेरिज्म को एक एसिड बेस रिएक्शन भी बोल रहे हैं हम, तो इसका मैकेनिज्म क्या होना चाहिए. तो अपन अब कोशिश करते हैं ये समझने कि टॉटोमराइजेशन एसिडिक या एल्कलाइन मीडियम में कौन से मैकेनिज्म से ये प्रोसेस होता है. तो हम इसको अब लेते हैं, मैकेनिज्म वाला पार्ट ले लेते हैं. यदि मेरे पास एक कंपाउंड है CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, और मैं एसिडिक मीडियम में करती हूं तो H पॉजिटिव डलता है. अब इस H पॉजिटिव को आप देखो, आप कहां अटैक करा सकते हो. H पॉजिटिव मतलब ये क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है और आपको दिख रहा है कि ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो हम वहां पर अटैक करा देंगे इसको. तो अपने को क्या मिलेगा, CH3 सी ओ, यहाँ पे H, ये CH3 एज इट इज है और यहाँ पे एक आ गया पॉजिटिव चार्ज. अब इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो हमें क्या मिल गया, CH3 सी ओ, यहाँ पे H, CH3 यहां पे H और यहां पे आ गया एक पॉजिटिव चार्ज. इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक हाइड्रोजन यहां से बाहर आएगा, तो हमारे पास हो जाएगा माइनस H पॉजिटिव और यहां बनेगा CH2 डबल बॉन्ड COH CH3, और फिर ये H पॉजिटिव जो है ये जाके वाटर मॉलिक्यूल से अटैच होगा और हमें मिलेगा H3O पॉजिटिव. ये मैकेनिज्म रहेगा हमारा एसिडिक मीडियम में, ये जो मैकेनिज्म है ये एसिडिक मीडियम में रहेगा. यही मैकेनिज्म यदि मैं अल्कलाइन मीडियम में कराती हूं ये हमने एसिडिक मीडियम में मैकेनिज्म किया, आप देख रहे हो हमने स्टार्टिंग की एच पॉजिटिव आयन से, और यही यदि मैं अल्कलाइन मीडियम में मैकेनिज्म कराती हूं तो हमारे पास मैं यदि फिर से वही कंपाउंड ले लेती हूं, एसीटोन ले लेती हूं और फिर एसीटोन में हम डालेंगे OH-, यदि हमने डाला एसीटोन में OH-, तो हमें पता है कि अल्फा हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक है, तो इसलिए क्या होगा, माइनस H2O हो जाएगा और आपको मिलेगा अभी CH2 विथ 1 नेगेटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड O और ये
CH3. अब नेक्स्ट क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज जो है इधर शिफ्ट हुआ रेजोनेंस के कारण और ये नेगेटिव चार्ज इधर आया, तो आपको क्या मिला, CH2 डबल बॉन्ड C, O पे नेगेटिव चार्ज और फिर ये CH3। अब वाटर मॉलिक्यूल के साथ, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल रहेगा वहां पे, सॉल्यूशन आपने लिया हुआ इसलिए, तो आपके पास ये वहां से चला जाएगा, OH बन जाएगा या माइनस OH नेगेटिव हो जाएगा और आपको मिलेगा ये इनॉल फॉर्म। तो फाइनली आप पहुंचते वहीं पर हो, इस कंपाउंड, जब आपने इस कंपाउंड के साथ एसिडिक मीडियम में मैकेनिज्म किया था तो भी आपको यही कंपाउंड मिला, और आपने सेम कंपाउंड का एल्कलाइन मीडियम में जब मैकेनिज्म आप देखते हो तो भी प्रोडक्ट तो हमें सेम मिलता है ना। तो आप अब समझ रहे हो कि हम यहाँ पे जो H पॉजिटिव शुरू में डाल रहे हैं और यहाँ पे H पॉजिटिव हम निकाल रहे हैं, यहाँ से जो अपना H पॉजिटिव निकला था, ये H पॉजिटिव निकल के उसने OH नेगेटिव से कंबाइन किया था। तो आप ये दो मैकेनिज्म देख लो, इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन रहता है कि हमारे पास यदि CH3 है और यदि मैं C डबल बॉन्ड O ले रही हूँ और मैं CH3 ले रही हूँ और मेरे पास एसिडिक मीडियम में D2O है, यदि मैं D2O से काम करा रही हूँ, और अपन इसको एल्कलाइन मीडियम में भी ले सकते हैं, यदि मैं इसी क्वेश्चन को D2O से कराती हूँ तो आपको समझ में आ रहा है कि क्या होगा। पहले यहाँ पे हो जाएगा, यदि एल्कलाइन मीडियम में अपन करा लेते हैं, चलो OH नेगेटिव के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, ये OH नेगेटिव जो है यहाँ से ले लेगा H पॉजिटिव, तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, CH2 नेगेटिव, फिर C डबल बॉन्ड O और फिर CH3। अब ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा स्टेबलाइज होने को यहाँ पे, तो आपके पास आता है CH2 डबल बॉन्ड C, O पर नेगेटिव चार्ज और CH3। अब जब आप यहाँ पे D2O डालते हो तो D2O के कारण ये क्या बन जाता है, CH2 डबल बॉन्ड COD और CH3। अब इसका टॉटोमराइज, ये टॉटोमराइज यदि होगा तो CH2 डबल बॉन्ड COD CH3, ये टॉटोमराइज होके देगा हमें CH2D, फिर C, ये हो गया डबल बॉन्ड O और CH3। इस तरह चलते चलते फाइनली हमारे पास हो जाएगा CD3 C डबल बॉन्ड O CD3, ऐसे करके। अब यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है, जब मैं सेकेंड टाइम OH डालूंगी, जब मैं यहाँ पे OH डालूंगी तो CD बॉन्ड नहीं टूटेगा, CH बॉन्ड टूटेगा। नाउ रिमेंबर वन थिंग, CD बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन CH बॉन्ड। तो जब यहाँ से जब अपने को OH नेगेटिव डालने पर H पॉजिटिव निकालना होगा तो हम D पॉजिटिव नहीं निकाल सकते, हम H पॉजिटिव निकालेंगे, क्योंकि CD बॉन्ड जो है वो CH बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर है, तो H पॉजिटिव बन के निकल पाएगा कंपेयर टू D पॉजिटिव। तो हम इस तरह देखते हैं कि ये एक एग्जाम्पल हो गया जहाँ पे हमने इसको सारे H को जो है रिप्लेस कर दिया D से। वैसे ही यदि मेरे पास ये एक कंपाउंड है और मैं D2O डाल रही हूँ और मैं एल्कलाइन मीडियम भी रख रही हूँ, तो फाइनली मेरे पास प्रोडक्ट क्या होने वाला है, मेरे पास प्रोडक्ट ये आ जाएगा, सारे अल्फा हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे D से। तो आप यदि मैकेनिज्म देखते हो तो आपको मैकेनिज्म से बहुत क्लियरली समझ में आता है कि हम कैसे H पॉजिटिव के कारण कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं, OH नेगेटिव के कारण कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं, और कहाँ पे H2O का H आता है, जो हमने H2O डाला है या हमने D2O डाला है, तो उसका D या इसका H कौन सी जगह पे इनकॉर्पोरेट हो जाता है, कौन सी जगह वो बॉन्ड बना लेता है। तो एल्कलाइन मीडियम में आप देख रहे हो कि O पे जब नेगेटिव चार्ज आता है तो वहाँ पे हमें D2O से D लगाना पड़ता है। तो ये मैकेनिज्म आप ध्यान से देखो, बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है कि H पॉजिटिव है तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वहाँ पे अटैक करा दो,
फिर इस O ने क्योंकि तीन बॉन्ड बना लिए तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, उस पॉजिटिव चार्ज को तो हटना पड़ेगा, कोई भी चार्ज स्टेबल नहीं होता। तो वहां बेस्ट तरीका क्या है कि पाई बॉन्ड उधर शिफ्ट हो जाए। तो पाई बॉन्ड तो उधर शिफ्ट हो गया, O का तो पॉजिटिव चार्ज हट गया, पर इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए जो पड़ोस वाला कार्बन था उसने अपना एक बॉन्ड इसको दिया, तो H पॉजिटिव बन के बाहर आ गया। तो ये H पॉजिटिव जो बाहर आ गया वो वाटर पे जाके अटैच हो गया। अब यहाँ पे अल्कलाइन मीडियम में क्योंकि OH नेगेटिव है तो इसको तो H पॉजिटिव चाहिए। H पॉजिटिव कौन देगा? अल्फा हाइड्रोजन आ गया यहाँ पे H पॉजिटिव बन के और वो H2O बन के बाहर हो गया। तो हमारे पास में अब ये एक कार्बन आयन बन गया। कार्बन आयन का जब रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हुआ तो O पे नेगेटिव चार्ज आया। O के नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज करेगा? जो भी हमारा सॉल्वेंट है, चाहे H2O है तो उसमें से H पॉजिटिव मिलेगा, यदि D2O है तो उसमें से D पॉजिटिव मिलेगा और हमारे पास में ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। दोनों ही मैकेनिज्म से हमें सेम प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ये जो टॉटोमेरिज्म प्रोसेस है ये क्या होगा? ये एसिड कैटलाइज भी हो सकता है और ये बेस कैटलाइज भी हो सकता है। और फिर हमने एग्जाम्पल के रूप पे एक एसीटोन लिया जहां पे वाटर की जगह D2O लिया, और एक हमने साइक्लोहेक्सिलॉन लिया वहां पर भी हमने वाटर की जगह D2O लिया। चलो अब अपन स्पेशल टाइप ऑफ टॉटोमेरिज्म पढ़ते। इसका नाम है पैरा और स्पेस टॉटोमेरिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल्स के साथ बताऊं मैं, आपसे पूछा जाए कि इसमें टॉटोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा, आप साफ मना कर दोगे। आप साफ मना इसलिए कर दोगे कि आपको मालूम है कि इस कार्बोनिल कंपाउंड के पास के जो दोनों अल्फा कार्बन है वो डबल बॉन्डेड है, इससे वहां पे टॉटोमेरिज्म नहीं होना चाहिए। पर ऐसा होता है कि यदि आपके पास में OH नेगेटिव है और ये H पॉजिटिव चला गया तो आपको क्या मिलने वाला है? ये हो गया। अब इसमें क्या होगा? रेजोनेंस आएगा। और इसमें यदि आपके पास नेचुरली सॉल्वेंट तो होता ही है तो आप देखो कि आपको क्या मिल गया, फिनॉल मिल गया। 100% कंपाउंड है ये 100% हो गया क्योंकि फिनॉल तो बहुत स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड है। इसका मतलब यदि इस तरह का कोई कंपाउंड है तो उसमें भी टॉटोमेरिज्म होगा और उसको हम बोलेंगे पैरा टॉटोमेरिज्म। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं इसी तरह का। यदि मेरे पास यहाँ पे है NH डबल बॉन्ड इसमें टॉटोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा? इसमें टॉटोमेरिज्म के लिए बिल्कुल वैसे ही होगा। अब ये नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस हो रहा है तो आपको क्या मिल रहा है? और फिर H2O में से H वहां चला जाएगा तो आपको एक एरोमेटिक कंपाउंड मिल जाता है। इसे यहां पर भी टॉटोमेरिज्म हो रहा है, पर यदि कंपाउंड ये होता तो टॉटोमेरिज्म नहीं होता क्योंकि यहां पे पैरा पोजीशन पे दोनों मिथाइल ग्रुप है, दोनों हाइड्रोजन है ही नहीं,
तो इसलिए यहां पे टॉटोमेरिज्म नहीं हो सकता था, यहां पर हो सकता था, यहां पर हो सकता था, पर यहां पर नहीं हो सकता था। एक और एग्जाम्पल लिया जा सकता है जहां पे मेरे पास है अब यहां पे भी कैसे टॉटोमेरिज्म होगा, देखो ध्यान से देखो, यदि एच पॉजिटिव हट जाता है वहां से तो आपके पास क्या है, फिर यहां पे रेजोनेंस हो रहा है तो आपको एरोमेटिसिटी मिल रही है, इससे यहां पर भी टॉटोमेरिज्म हो रहा है। एक और डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल है, आप सबको पता ही है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, यहां पर भी हो रहा है, ये लोन पेयर इसको जाके अटैक करता है और ये यहां पे आ जाता है, तो आपके पास क्या है, यहां पे H है, C है, O पे नेगेटिव चार्ज है, फिर एक 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और ये 6 है, यहां पे H, यहां पे ये O ने बॉन्ड बना लिया है इससे और O के साथ अभी भी एक H जुड़ा हुआ है, फिर वैसे ही हम लगा लें यहाँ पे ओ एच, यहाँ पे एच, यहाँ पे ओ एच, यहाँ पे एच, यहाँ पे ओ एच, यहाँ पे एच। अब ये एच पॉजिटिव निकलेगा और आपको यहाँ से यहाँ सॉल्वेंट पे से मिल जाएगा ये, तो आपके पास ये बन जाता है इसका रिंग स्ट्रक्चर। तो आपका स्ट्रेट चेन ग्लूकोज स्ट्रक्चर जो है वो रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे जो ऑसिलेशन हो रहा है, जो मूवमेंट हो रहा है, वो एच पॉजिटिव का हो रहा है, इसलिए इसको कैटायनोट्रॉपी बोलते हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कैटायनोट्रॉपी। क्योंकि यहाँ पे एच पॉजिटिव का मूवमेंट है। और एक और एग्जाम्पल है मेरे पास, जब हमारे पास ये कंपाउंड है तो हमें पता है यहां पे ये बॉन्ड नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा तो वो नेगेटिव चार्ज इस पे शिफ्ट हो जाएगा और ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या कंपाउंड बन रहा है, आप ध्यान से देखो, O पे नेगेटिव चार्ज है, ये Cl है, ये C है, इससे O लगा हुआ है, इस O से हमने इसको जोड़ दिया, यहां पे Cl है और यहां पे है पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा और ये Cl नेगेटिव इससे अटैच हो जाएगा, तो आपको क्या मिला यहां पे, आप देखो ये C, ये डबल बॉन्ड O, फिर ये C, इसको जोड़ा O ने और इस पे लगा दो C। इस कार्बन के भी फोर बॉन्ड्स हो गए, इस कार्बन के भी फोर बॉन्ड्स हो गए और ये भी टॉटोमर है और इसका नाम होगा एनायनोट्रॉपी। क्यों एनायनोट्रॉपी होगा ये, क्योंकि यहां पे Cl नेगेटिव मूव कर रहा है, यहां पे एक एनायन का मूवमेंट है, तो ये स्पेशल टाइप ऑफ टॉटोमेरिज्म है जहां आपको दिख रहा है, हम इसको मेनली बोलते हैं स्पेस टॉटोमेरिज्म। यहाँ पे आप देख रहे हो H पॉजिटिव का मूवमेंट हुआ है, यहाँ से H पॉजिटिव जो है वो बाहर आया है, H पॉजिटिव जब बाहर आया तो नेगेटिव आयन को रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिला और फिर वाटर में से उसने H ले लिया।
यहां पे भी आप देख रहे हो H पॉजिटिव का मूवमेंट है, पर इसकी पैरा पोजिशन में H होना जरूरी है। यहां पे जैसे इसकी पैरा पोजिशन में H नहीं था तो टॉटोमेरिज्म नहीं हुआ, वैसे ही इसकी पैरा पोजिशन में H था तो टॉटोमेरिज्म हुआ। यहां पे भी हम सिर्फ ऐसा पॉसिबल है यदि सिक्स मेंबर रिंग बन रही होगी या बहुत ज्यादा हुआ तो फाइव मेंबर रिंग, सिक्स और फाइव मेंबर रिंग ही स्टेबल होती हैं, इससे वो बनती है, उसके अलावा नहीं बनेगी। यहाँ ग्लूकोज का हमें पता है कि मैक्सिमम जो स्ट्रक्चर है वो रिंग स्ट्रक्चर है, ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं है, वो रिंग चेन रिंग स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज के दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक ओपन चेन होता है, एक रिंग होता है, और मोस्ट ऑफ इट इज रिंग स्ट्रक्चर। तो रिंग स्ट्रक्चर जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर सिक्स मेंबर रिंग है। यदि आप देखोगे तो यहाँ पे वन और थ्री प्लस वन फोर फाइव और सिक्स, ऑक्सीजन को मिला के सिक्स मेंबर रिंग बन रही है, और ये भी एक तरह का टॉटोमेरिज्म है। और जहां पे भी केटायन का ऑसिलेशन है या केटायन का मूवमेंट है तो हम उसको बोलते हैं केटायनोट्रॉपी, और यदि एनायन का मूवमेंट है तो हम बोलेंगे एनायनोट्रॉपी। जैसे यहां पे एग्जांपल है कि जब दो सीओ, ये सीओ सीएल है दो, तो इसका ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था और इसके कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था, तो वहीं पे उसने अटैक कर दिया और फिर चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए एक सीएल नेगेटिव निकल के दूसरे कार्बन पे अटैच हो जा रहा है, इसलिए हम इसको एनायनोट्रॉपी बोलते हैं। तो ये स्पेशल टाइप ऑफ टॉटोमेरिज्म्स हैं। नाउ हैविंग डन ऑल दीज, लेट्स मूव ऑन टू प्रॉपर्टीज ऑफ टॉटोमर्स। एज यू ऑल नो केटू फॉर्म इज मोर पोलर देन इनॉल फॉर्म, कीटो फॉर्म इज मोर पोलर देन इनॉल फॉर्म। Therefore, keto form has higher boiling point and is more soluble in water. If the keto form has a symmetric alpha carbon containing a alpha hydrogen, if the keto form has a symmetric alpha carbon containing a alpha hydrogen, then it racemizes when dissolved in a solvent, dissolved in a solvent, due to when dissolved in a solvent, due to tautomerization, that is suppose you have this is a symmetric carbon atom, this is chiral center. If it tautomerizes, then what you get is this is optically active, this compound is
optically active because there is a chiral center. And what do you mean by chiral center? There is a carbon containing four different groups. The groups should be different. This R is different, this R is different, this is H, and this is the whole one group. There are four different groups. When it tautomerizes, then there is no chiral center left. So this is optically inactive. So it is converted into an optically inactive compound. So these are the properties of a keto enol equilibrium mixture. And if you compare keto and enol compounds, and keto is more polar, so keto being more polar has high boiling point, it is more soluble in water, and an important property is if there is a chiral center near the carbonyl group, it will be converted into an optically inactive compound when dissolved in water due to tautomerization. That means if keto form is racemic, if the keto form is optically active, the enol form is no more optically active. So it will not rotate the plane of plane polarized light. It will not rotate the plane of plane polarized light when taken in the polarimeter. Is that clear? So this was optically active, this is optically inactive, and these are the few properties of keto or enol forms of the given compound.